आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में सफाई कर्मियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने से सभी सफाई कर्मचारियों ने शनिवार से सफाई कार्य का किया बहिष्कार कर दिया। शनिवार को कस्बे में सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी हो रही है तथा मुख्य बाजारों में कचरा पड़ा हुआ है। इन दिनों कस्बे में दीपावली के त्योहार को लेकर घरों व दुकानों पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है, जिनका कचरा भी सड़कों पर पड़ा हुआ है। बाजार की सड़कों पर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। सफाई कर्मचारी मुकेश व विधाबाई सहित महिला व पुरुष सफाई कर्मियों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से हमें हमारी तनख्वाह नहीं मिली तथा दीपावली का बोनस व कपड़े भी नहीं मिले। इससे पूर्व के सरपंचों ने हमेशा समय पर वेतन दिया तथा दीपावली का बोनस व कपड़े भी मिलते थे। जब तक हमें हमारी तनख्वाह नहीं मिलती, हम कस्बे में सफाई कार्य नहीं करेंगे। हर माह हमें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ग्राम पंचायत से हर महीने पेमेंट देने की मांग भी की, तो वही सरपंच प्रतिनिधि ने ग्राम पंचायत के पास पेमेंट उपलब्ध नहीं होने की बात कही। सफाई नहीं होने के कारण चौमहला कस्बे के गली मोहल्ले चौक चौराहे में कचरे के ढेर लग गए तथा नालियों से बदबू आने लगी, जिससे कस्बेवासी परेशान हो रहे हैं। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन आनू की रिपोर्ट। आएगा जब भी मतलब आपको मतलब पेमेंट होगा, हम कहते हैं उनको पैसा क्यों नहीं मिलता है कि मेरी समस्या कर रखी। क्या मामला है? ये मामला है साहब कि सफाई कर्मचारी का 2 महीने की तनख्वाह है अभी बाकी। इसके पहले मैंने 10-12 लाख रुपए बाजार से लेके ना इनकी तनख्वाह दी, मैंने हमेशा देता रहा हूँ, और अभी 2 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, जिसमें हमने कहा कि 1 महीने की तनख्वाह ले लो तो वो मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद 3,000 रुपये जो बोनस के मांग रहे हैं, 1-1 जोड़ कपड़े की मांग रहे हैं, आगे से पैसा आ नहीं रहा है। अभी कोरोना वायरस सब चल रहा है, उसको देखती हुई नज़र से हमने यह बाजार से व्यवस्था करके इनको पेमेंट करा है, और ये उस जगह अड़ रहे हैं कि भाई हम तो 2 महीने की तनख्वाह लेंगे ना, बोनस लेने वो लें, तो अब अपने पास बैलेंस नहीं है। अभी क्या बातचीत हुई है? सफाई नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, बंद का आह्वान किया उन्होंने। तो मैंने बातचीत करी थी उनसे, तो उनने बताया कि भाई 2 महीने की तनख्वाह दे दो और बोला दो।